युग में आज प्राचार्य आप और इस कॉलेज इस संचालन जो कोचिंग संचालकों को बुलाया गया था, इसमें प्राचार्य तो नहीं आ पाए, आप आए हैं और आयोग के सामने आपने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, वो चूक क्या थी और क्यों हुई है? नहीं मैडम, इस प्रकार का नहीं स्वीकार किया कि चूक हुई, जितनी मुझे नॉलेज थी उस हिसाब से वो पूरे प्रूफ दिए, जो बच्चे कोचिंग के लिए गए थे दुर्भाग्यवश उनकी कोई भी प्लानिंग बन गई हो वो भोजपुर चले गए और ये घटना हो गई है। ठीक है मैडम, तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती हुई है, सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, बच्चे अपना नाम लिख के सिग्नेचर करके और टाइम डाल के कोचिंग के लिए गए थे। एक और बात ये आ रही है कि कोचिंग जाने आने के लिए क्या स्कूल प्रबंधन या प्रशासन स्कूल प्रशासन ने कोई व्यवस्था की थी या बच्चे किस तरह आते थे? नहीं, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं 11th क्लास के, तो वो अलग अलग कोचिंग पढ़ रहे थे, उनके टाइमिंग भी अलग अलग थे मैडम, तो क्या एक गाड़ी एक समय पर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे हम लोग, तो उनको सेल्फ जाने के लिए परमिशन दी गई थी। कई अभिभावकों ने इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने लिखित परमिशन नहीं दी थी इस, और आपके पास भी अभी जो आयोग में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भी इस ये मतलब प्रस्तुत नहीं कर पाया कि लिखित वो है अनुमति, तो आपने कुछ करीब 17 स्टूडेंट जो हैं उनकी लिखित में परमिशन है मेरे पास, और फोन पे सभी से कंसर्न हो गई थी, पेरेंट्स से बोले कि जब भी हम आएंगे सर लिख के दे देंगे, हमारे बच्चे को आप कोचिंग जाने दीजिए। तो जो जिनकी डेथ हुई है उन सभी के पेरेंट्स ने कंसर्न, उनमें से भी कुछ बच्चों की कंसर्न है उसमें लिखित में है और कुछ बच्चों की फोन पे कन्वर्सेशन के द्वारा। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मैं सुधीर दुबे। और आपके साथ कौन कौन आए हैं उनका नाम भी बता दीजिए। अशोक पाठक सर हैं। क्या हैं वो? टीचर हैं हमारे शिव विद्या मंदिर में जी। असिस्टेंट डायरेक्टर भदौरिया जी हैं। पूरा नाम क्या है भदौरिया जी? नीलेश भदौरिया जी। श्रीवास्तव जी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। श्रीवास्तव जी का पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र श्रीवास्तव।